हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्फेग्नम जो कि लास्ट जेनेरा है आपका, और ये लास्ट क्लास हायर क्लास ब्रायोसिडा से बिलोंग करता है, ब्रायोफाइटा की। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये डिवीज़न ब्रायोफाइटा से बिलोंग करता है, क्लास ब्रायोसिडा जो कि हायर क्लास है, ऑर्डर स्फेग्नल्स, फैमिली स्फेग्नेसी एंड जीनस स्फेग्नम। अब ये जो स्फेग्नम जीनस है ये 350 स्पीसीज ऑफ मॉसेस की, मतलब इसके अंदर 350 स्पीसीज आती है मॉसेस की, ठीक है। इसे हम पीट मॉस, बॉग मॉस या टफ मॉस भी कहते हैं। पीट मॉस, बॉग मॉस या टफ मॉस कहने का रीज़न ये है कि इसे पीट मॉस या बॉग मॉस इसलिए कहते हैं कि बॉग मतलब जहाँ भी इसे कहते हैं, बॉग का मतलब कीचड़ या दलदल जैसे जगह होती है वहाँ पे उगता है, और पीट मॉस इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसका जो ड्राई कंटेंट है, यानी कि प्लांट लिविंग के साथ साथ अगर ये ड्राई भी हो जाता है तो इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये अपने से 60-20 टाइम्स ज़्यादा वाटर को कंटेंट करके रख सकता है, इसलिए इसे पीट मॉस या बॉग मॉस भी कहते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्फेग्नेसी फैमिली से बिलोंग करता है, यहाँ ये क्या करता है, 60-20 टाइम्स ज़्यादा ड्राई वेट क्या कर सकता है, वाटर को होल्ड कर सकता है, ठीक है। असाइड फ्रॉम एक्टिंग लाइक अ स्पॉन्ज, ये क्या करता है, स्पॉन्ज की तरह बिहेव करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स यूजेज इन सिवरल एस्पेक्ट्स। सिंपल सी अगर हम कहें तो ये बहुत ही ज़्यादा वाटर को कंटेंट करके रखता है, इसलिए ये स्पॉन्ज की तरह बिहेव करता है। अब इसकी हैबिटेट की बात करें तो जैसा कि ब्रायोफाइटा का हैबिटेट होता है कि वो जहाँ भी वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, वहाँ उगेंगे। जैसा कि इसका नाम है बॉग मॉस, तो जहाँ बॉग होगा मतलब जहाँ कीचड़ कादा या दलदल वाला इलाका है वहाँ पर ये मिलता है। उसके साथ साथ ये एसिडिक सॉइल में ग्रो करता है, मतलब उस बॉग के आसपास जहाँ पे भी वाटर कंटेंट ज़्यादा हो वहाँ पर जो पीएच हो वो कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, ठीक है, लो पीएच होना चाहिए। उस वजह से ये स्फेग्नम वहाँ पे ग्रोथ करता है, तो उसको एसिडिक नेचर चाहिए। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, किसका अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें तो कैसा दिखता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर आपको दो तरह के, जब स्टार्टिंग में आप ये जब थैलस उगता है तब इसे एक सिंपल सा आपको थैलोइड प्रोटोनिमा मिलेगा, जैसा कि आपको लोअर ब्रायोफाइट्स के अंदर एक थैलो फोलियोज प्रोटोनिमा, मतलब फोलियोज उनका गैमेटोफाइट मिल रहा था। इसमें जब ये स्टार्टिंग में जैसे ही ग्रो करता है वहाँ पर आपको एक थैलियोज प्रोटोनिमा मिलेगा, किस तरह से छोटी मोटी सी लीव्स, जैसा कि गैमेटोफाइट इनके अंदर था, हेपेटिक ऑप्सिडा इनके अंदर था। फिर जब ये धीरे धीरे करके मैच्योर होने लगता है तब ये आपको इस तरह से एक लीफी गैमेटोफोर मिलेगा। तो इसमें दो कंडीशन होती हैं कि आपको स्टार्टिंग में ये थैलियोस प्रोटोनिमा मिलेगा, जैसा कि हेपेटिक ऑप्सिडा इन सब के अंदर था, लीफी गैमेटोफोर था, वैसे वहाँ यहाँ पर भी स्टार्टिंग में तो उस तरह का मिलेगा, बाद में ये एक लीफी गैमेटोफोर के अंदर जनरेट हो जाता है। लीफी गैमेटोफोर के पास क्या होता है, मैन एक्सिस होता है, राइजॉइड्स होते हैं एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि इनके पास मिडरिब एब्सेंट होती है। मैन एक्सिस इसलिए क्योंकि इनके पास जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। अब चलिए, अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा कि नोड एंड इंटर नोड में डिवाइड रहेगा, छोटे छोटे नोड एंड इंटर नोड होंगे। अब आप यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने बताया कि आपको यहाँ मैन एक्सिस मिलेगा, राइजॉइड्स मिलेंगे और लीव्स मिलेंगी, लीव्स पे मिडरिब एब्सेंट होगी। इसके साथ साथ ये देखिए, ये जो इसका मैन एक्सिस है, इस मैन एक्सिस पे आपको लीव्स मिलेंगी, और जो लीव है वो 2x5, यानी कि एक राउंड पहले 2 से स्टार्ट होंगी और उसके बाद फिफ्थ नंबर की जो लीव है वो 2 नंबर की लीव के, मतलब सेकंड लीव के सामने फिफ्थ नंबर की लीव आ जाएगी। तो इनमें जो फिलोटैक्सी है वो 2x5 की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्पायरल मैनर में 2x5 की फिलोटैक्सी मिलेगी, ठीक। उसके साथ साथ हर नोड पे, मतलब इस स्टेम की बात करें इसकी 4 लीफ के बाद में, एक जहाँ भी इंटरनोड आएगी वहाँ पर आपको इस तरह से टफ्ट मिलेगा ब्रांचेस का। टफ्ट का मतलब ऐसे गुच्छा लाइक मिलेगा आपको ब्रांचेस का, जिसमें दो तरह की ब्रांचेस होंगी, एक होंगी जो कि इस तरह से आगे की साइड में ग्रोथ कर रही होंगी, डाइवर्जेंट ब्रांचेस, और सेकेंड होंगी जिसे पेंडेंट ब्रांचेस कहते हैं। तो ये सब हम और अच्छे से पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ये तो हो गया इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब जब इस पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगने होंगे तो वो इसके एकदम एपिकल पोर्शन पे अलग से ब्रांचेस लगते हैं, एंथ्रीडियल ब्रांचेस एंड आर्चिगोनल ब्रांचेस, उन पर लगेंगे। और ये जो एंथ्रीडियल या आर्चिगोनल ब्रांचेस है, जब इनका फ्यूज़न हो जाएगा तो इनमें कैप्सूल का फॉर्मेशन होगा, जो कैप्सूल आपको क्या डिनोट कर रहा है, ये एक स्पोरोफाइट है, ठीक है। सो आपको ये सब और अच्छे से यहाँ क्लियर कर देते हैं एक बार, कि देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार यहाँ देखिए कि ये पूरा इसका मैन एक्सिस है, ठीक। यहाँ पर आपको बहुत सारी तरह की ब्रांचेस मिल रही हैं,
ये इसके ऊपर जो छोटे छोटे नॉचेस दिख रहे हैं ये हैं इसकी लीव्स। अब यहाँ पर जो लीव हैं वो आपको जैसा कि मैंने बताया 2x5 के अरेंजमेंट में मिलेगी। 2x5 का अरेंजमेंट का मतलब कि 2 फर्स्ट लीव एंड सेकेंड लीव, उसके बाद सेकेंड लीव के सामने स्पायरल मैनर में, यानी कि ऐसे स्पायरली अरेंज होकर आएगी, तो फिफ्थ लीव उसके सामने आ जाएगी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 1 नंबर की लीफ आई, स्टेम की बात कर रही हूँ, अगर ये स्टेम है तो स्टेम पे 1 आई, 2, 3, अब पीछे साइड में यहाँ 4, और अब इस 2 के जस्ट सामने 5 आ जाएगी। इस तरह से स्पायरल मैनर में, मतलब ऐसे करके ऐसे जनरेट होंगी, तो जहाँ 2 है उसके सामने 5th नंबर की लीफ आएगी। तो इस तरह से यहाँ पे स्पायरल अरेंजमेंट होता है और फिलोटैक्सी 2x5 की होती है। एक चीज़ तो ये थी, अब इसमें एक चीज़ और बताई मैंने आपको कि दो तरह की लीफ दिख रही है। देखिए एक जो इस मैन स्टेम पे हैं ये लीफ छोटी छोटी हैं और थोड़ा दूर दूर अरेंज हैं, है ना, अल्टरनेटिवली एक दूसरे से, ये एक यहाँ है तो दूसरी यहाँ है। लेकिन इनसे कुछ इनकी जो 4 लीफ, जैसे कि ऐसा मान लीजिए आप कि अगर ये स्टेम है तो स्टेम की 1, 2, 3 और 4 जो 4 वाली लीफ है उस 4 लीव के सामने यहाँ पे जो इंटरनोड होगी उससे टफ्ट निकलेगा। टफ्ट का मतलब गुच्छे के फॉर्म में ब्रांचेस निकलेंगी। अब ये जो ब्रांचेस हैं इन ब्रांचेस पे लीफ की बात करें तो यहाँ पे 2 तरह की ब्रांचेस निकल रही, जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको, देखिए कि यहाँ पे 2 तरह की ब्रांचेस निकल रही। कौन कौन सी? एक है डाइवर्जेंट ब्रांचेस। डाइवर्जेंट ब्रांचेस वो ब्रांचेस हैं जो कि इस तरह से हॉरिजेंटल ग्रोथ करती हैं, उसके बाद नीचे की साइड में पेंडेंट की तरह लटकती हैं। ये देखिए यहाँ पहले हॉरिजेंटल ग्रोथ करती हैं और ये थोड़ी सी साइज़ में छोटी होती हैं, ठीक है। और सेकंड जो ब्रांचेस होती हैं जिन्हें बोलते हैं पेंडेंट ब्रांचेस, जो कि इस तरह से लटकती रहती हैं, हैं एकदम हैंग करती रहती हैं, तो इन्हें बोलते हैं पेंडेंट ब्रांचेस, जो मैन एक्सिस के एकदम पास पास मिलती हैं आपको और लेंथ भी इनकी ज़्यादा होती है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया 1, 2, 3 और ये 4, ये फोर्थ की जैसे ही स्टार्ट होगी फोर्थ के जस्ट सामने एक टफ्ट गुच्छा निकल जाएगा जिसमें पेंडेंट और डाइवर्जेंट ब्रांचेस होंगी। अब देखिए ये फोर्थ यहाँ भी, तो इससे फिर से ये गुच्छा निकल रहा है। ये तो हो गई मैन एक्सिस पे लीफ का स्ट्रक्चर। अगर हम इन पर बात करें, यानी कि इन ब्रांचेस पे बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा पास पास अरेंज होती हैं, एक दूसरे को ओवरलेप कर रही होती हैं। तो इन पर जो अरेंजमेंट होगा लीफ का, या इनकी एंथ्रीडियल या आर्चिगोनल ब्रांचेस पर लीफ का अरेंजमेंट होगा, वो बहुत ज़्यादा पास पास होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि ये जो ब्रांचेस हैं इन इस जो मैन एक्सिस है इसके एकदम टॉप पर ये ब्रांचेस छोटी छोटी, एकदम छोटी छोटी, इनकी साइज़ इन सभी ब्रांचेस से बहुत छोटी होती है और एक बहुत ज़्यादा क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है, गुच्छा बनाती हैं ऊपर बहुत सारी ब्रांचेस का। इसे टफ्ट कहते हैं या फिर कॉमल कहते हैं, ठीक है, COMMAL कॉमा या फिर COMA टफ्ट, कॉमा टफ्ट या फिर कॉमल टफ्ट कहते हैं। ये जो टफ्ट है ये टफ्ट एक तरह से यहाँ पर गुच्छे के फॉर्म में ब्रांचेस की छोट शॉर्ट जिनकी लेंथ है उनके प्रेजेंट होने के कारण बनता है। अब इस ब्रांचेस के, इस टफ्ट के जब ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में आता है तब यहाँ से ही एंथ्रीडियल एंड आर्चिगोनल ब्रांचेस निकलती हैं, जिन पर एंथ्रीडियल ब्रांचेस पर जो लीव्स होती हैं वो इनके कंपेरिजन में थोड़ी सी लार्ज होती हैं और उस पर ऑल्टरनेटिवली एंथ्रीडिया निकलेंगी, ठीक है। और एक एपेक्स पे आपको वहाँ पर इस तरह से दिखेगा, इसे ऐसे कि एंथ्रीडियल ब्रांचेस पे आपको, जब जैसे कि एंथ्रीडियल ब्रांचेस है तो उस पर आपको इस तरह से कि यहाँ पर उसके एपेक्स पे तो एक एंथ्रीडिया बनी हुई दिखेगी और बाकी इस तरह से आपको अल्टरनेटिवली अरेंजमेंट मिलेगा, एंथ्रीडिया ब्रांच, सॉरी ब्रांचेस नहीं लीफ, ये है इसकी ब्रांच एंथ्रीडियल ब्रांच, इस पर आपको एपेक्स पर तो एक एंथ्रीडिया दिखेगी और उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर है ये देखिए ये जो ये मैंने बनाए हैं ये है इसकी लीव्स, तो लीफ बीच में एंथ्रीडिया फिर लीफ फिर एंथ्रीडिया आएगा। इस तरह से लीफ और एंथ्रीडिया का अल्टरनेटिव अरेंजमेंट मिलेगा, वो भी इस तरह से कि यहाँ पर तो यंग वाली दिखेंगी और नीचे की साइड जाएंगे तो आपको मैच्योर वाली दिखेंगी। सो इस तरह से तो आपको यहाँ अरेंजमेंट मिलता है एंथ्रीडियल ब्रांचेस का। आर्चिगोनिया की बात करें तो आर्चिगोनिया में जो लीव्स होती हैं बहुत ज़्यादा लेंथ में होती हैं और उनके ऊपर इस तरह यहाँ पर एक सिंगल आर्चिगोनियम इस तरह से जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। ये जो लीव्स हैं ये लीव्स बहुत ज़्यादा लेंथ की होती हैं और इन्हें पेरिकीटियम कहते हैं, ये एक तरह से इस आर्चिगोनियम का प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो जब हम उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये सब एक आपको एक्सटर्नल व्यू बताने के लिए
चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा आई होप कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। और राइजोइड से मल्टी सेलुलर मिलते हैं। चलिए ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्फेग्नम में डाइवर्जेंट एंड पेंडुलेंट टाइप की आपको क्या मिलती हैं, डाइवर्जेंट एंड पेंडुलेंट ब्रांचेस मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कि आपको ये जितना भी मैंने बताया है ये सब थ्योरी से आप यहाँ से समझ सकते हैं कि देखिए जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट होती है और दो स्टेजेस को कवर करती है। एक है जुवेनाइल स्टेज और एक है लीफी गैमेटोफाइट। जुवेनाइल स्टेज कैसी होती है, इसे प्रोटोनिमा कहते हैं। और जब ये स्पोर जर्मिनेट होता है तब जैसे ही स्पोर जर्मिनेट हो गया यानी कि यंग थैलस एक तरह से कह सकते हैं उसको आप जुवेनाइल स्टेज कह रहे हैं और उसी को आप प्रोटोनिमा कह रहे हैं। जुवेनाइल का मतलब यंग स्टेज, उसे आप प्रोटोनिमा कहते हैं। ठीक है, ये इररेगुलरली लोब्ड थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, वन साइड थिक होता है जैसा कि आपने उनके अंदर देखा था प्लांट सेल्स की जो भी हेपेटिक ऑप्सिडाइन के अंदर आपको लीफी गैमेटोफोर मिला था उस तरह से हल्का सा जब ये जुवेनाइल होगा तो लीफी गैमेटोफोर मिलेगा आपको जो कि वन साइड थिक ही होगा। इट इज़ अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय मल्टी सेलुलर राइजोइड विथ ऑब्लिक सेप्टा। अब इसके अंदर जो राइजोइड्स हैं चाहे वो इस प्रोटोनिमा के पास हो चाहे गैमेटोफोर के पास हो, राइजोइड्स जिनके पास ऑब्लिक सेप्टा है जो कि क्या करते हैं अटैच करके रखते हैं सबस्ट्रेटम से। फ्रॉम द प्रोटोनिमा अराइज द इरेक्ट लीफी गैमेटोफोर। जब वो प्रोटोनिमा धीरे धीरे करके डेवलप होने लगता है तो वो क्या करता है लीफी गैमेटोफोर को डेवलप करता है। लीफी गैमेटोफोर का मतलब इस स्ट्रक्चर को डेवलप करता है। देखिए ये प्रोटोनिमा है, इससे ये लीफी गैमेटोफोर डेवलप हुआ जिसके पास मैन एक्सिस और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। अब लीफी गैमेटोफोर की बात करें तो इसके पास में क्या होता है स्टेम एंड लीव्स होती हैं। स्टेम की बात करें तो इरेक्ट होता है, वेल ब्रांच्ड है, ब्रांचिंग जो है लेटरल होती है यानी कि साइड से निकल रही है। अपेक्स पर एक देखिए यहाँ पर ये जो मैं आपको कॉमा या टफ्ट की बात कर रही थी वो यहाँ पे नियर द अपेक्स ऑफ द स्टेम द ब्रांचेज आर शॉर्ट एंड ऑफ लिमिटेड ग्रोथ एंड आर क्लस्टर्ड टुगेदर क्लोजली टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट हेड कॉल्ड कॉमा टफ्ट और कॉमा। यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एकदम टॉप पर ये जो ब्रांचेज हैं ये छोटी छोटी हो जाती है लेंथ में और इनकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाती है और ये कि गुच्छे के फॉर्म में निकलती हैं, इसे ही यहाँ पर क्या कहा गया है कॉमा टफ्ट कहा गया है। लोअर डाउन ऑन द स्टेम आर बॉर्न एडिशनल इलोंगेट ब्रांचेज। फिर बाकी जो ब्रांचेज हैं वो स्टेम से उस कॉमा टफ्ट की नीचे साइड से निकलती हैं और ये भी टफ्ट की फॉर्म में ही जिसमें 3 to 8 ब्रांचेज होती हैं एक टफ्ट के अंदर। यहाँ देखिए यहाँ पे कम से कम 3 to 8 ब्रांचेज हैं, 4, 5, 6 कितनी भी हो सकती है लेकिन मिनिमम 3 और मैक्सिमम 8 ब्रांचेज हो सकती हैं। ठीक है, अभी जो ब्रांचेज हैं ये 2 टाइप की होती हैं, डाइवर्जेंट ब्रांच। डाइवर्जेंट ब्रांच क्या करती है लेटरल ग्रोथ करती है यानी कि देखिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होती है। यहाँ पर देखिए ये डाइवर्जेंट ब्रांच है जो कि लेटरली निकले लेकिन ये पहले हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करती हैं देन इनका कि पेंडेंट फॉर्म में इनका देन स्ट्रक्चर होता है कि कुछ ग्रोथ करने के बाद ये आपको इस तरह से दिखेंगी। इनकी जो पोजीशन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, ये स्टेम से मेन एक्सिस से थोड़ी दूर पहुंच जाती हैं इस वजह से। लेकिन जो सेकंड वाली ब्रांचेज हैं जिन्हें पेंडेंट ब्रांचेज या फिर ड्रुपिंग ब्रांचेज कहा जा रहा है लास्ट में, ये देखिए दिस ब्रांचेज ग्रो आउट लिटरली फ्रॉम द स्टेम, इस स्टेम से लोअर साइड में ड्रुप और हैंग क्लोज टू द स्टेम, दिस एक्ट एज अ वाटर कंडक्टर। सिंपल से फॉर्म ये है कि ये जो ब्रांचेज है थोड़ा दूर जाके ग्रोथ करें, हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करें, इसलिए स्टेम से दूर हो गई। लेकिन ये ब्रांचेज वहीं के वहीं अपनी ग्रोथ को एकदम पेंडेंट फॉर्म में करती हैं, इस कारण ये स्टेम के एकदम पास में होती हैं, स्टेम के साथ साथ ग्रोथ कर रही होती हैं। और इनका एक मेन काम होता है कि बहुत सारा वाटर को कंडक्ट करके रख सकते हैं यानी कि वाटर कंडक्टर में हेल्प करती हैं। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर देखिए कि अगर हम एक लीफ की बात करें तो एक लीफ के पास में यानी कि जो इतनी सारी ये इस मेन एक्सिस के ऊपर भी लीफ है जो कि 1/4 से आपको हर एक नोड दिखती है जिससे ये टफ्ट की फॉर्म में ब्रांचेस निकलती हैं। अब हम एक सिंपल कोई भी एक लीफ को लें उसकी बात करें तो आपको वहाँ पर दो तरह की सेल्स दिखती हैं, एक होती हैं जो छोटी छोटी सेल्स होती हैं क्लोरोफिलस सेल्स और दूसरी होती हैं हाईलाइन सेल्स। तो इनकी बात हम नेक्स्ट के अंदर करेंगे यानी कि हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर नेक्स्ट के अंदर पढ़ेंगे। चलिए टिल देन आप लर्न करते रहिए और अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।